राधे राधे सभी को, मेरा ब्लॉग आ रहा है बहुत दिनों बाद, वो भी किसी चीज़ की खुशी है। उस खुशी में मैं गई थी कल मंदिर, कालका जी मंदिर। वहाँ का ये प्रसाद है कालका जी मंदिर का, हमने थोड़ा सा खा लिया, अभी ये थोड़ा बचा है। फिर उसके बाद मैं गई थी आज मंदिर, वहाँ हमें ये प्रसाद मिला जो कि मैंने सबने खा लिया है, ये बचा है किट्टू का, तो ये वो प्रसाद खाएगी। और उसी खुशी में ये लाया है मेरा बेटा चॉकलेट, जो कि एक ये है मेरे लिए, एक पापा के लिए लाया है। और क्या खुशी है वो आपको 4-5 दिन बाद पता चलेगी। फिलहाल तो खुशी इतनी ज़्यादा है कि उस खुशी में आप लोग भी मुंह मीठा कर लो थोड़ा सा, ये लो। और खुशी क्या है बताओगे? कोई नहीं बता सकते, अभी सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ है, इसलिए खुशी नहीं बता सकते, वो आप लोगों को सरप्राइज़ है। मतलब मेरी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है और मैं बहुत खुश हूँ। राधा रानी की पूरी पूरी कृपा है और जो मुझे ये खुशी मिलने वाली है पूरा पूरा सहयोग इनका है। इनके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता मेरा, इनके सहयोग के बिना तूफान में पड़ता भी नहीं हो सकता। और खासकर मेरा इनके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता, जब तक इनका सहयोग नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा। और फिलहाल तो आप लोग वीडियो लाइक कर दो, हाँ याद आ गया मुझे बीच में, वीडियो यार लाइक कर दिया करो, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, बात की वीडियो को तो पसंद तो करते हो पर लाइक नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है। क्या पैसे कटते हैं क्या? कितने नहीं कटते तो फिर कर दिया करो। चलो अब शाम हो गई, मैं सोच रही चाय वाय बना लूँ, मन नहीं कर रहा बनाने का। अभी मैं मंदिर होके आई हूँ, 5 बजे गई थी मंदिर, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चाय चलो बनाई जाए, कब तक बैठे रहेंगे इंतज़ार करते रहेंगे चाय का कि कोई बना के दे दे। फिलहाल तो मुझे ही बनानी पड़ी, कोई बना के देने वाला नहीं था, तो मैंने चाय बनने रख दी थी। चाय बनने के बाद मैंने सारे कपड़े उतारे थे बाहर, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग बाहर ही बैठ के चाय पीते हैं, यहाँ पर पंखा लगा लेते हैं, खाट बिछा के आराम से बैठ के बाहर चाय पीते हैं, और बाहर चाय पीने का कुछ मज़ा ही अलग है बाहर खुले में बैठने का। और यहाँ पे मैंने कपड़े अपने सारे उतारे थे, ये कपड़े मैं फ़ोल्ड कर रही थी, मैंने कहा जब तक चाय बन रही है जब तक मेरे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो जाएंगे। और जो ये टंगे हुए कपड़े ये सारे मकान मालिक के हैं, मेरे कपड़े नहीं हैं, मैंने अपने सारे उतार लिए थे, फिर कपड़े पपड़े फ़ोल्ड किए, इतने में मेरी चाय बन के तैयार हो गई थी। तो चाय वाय पी के फिर हम निकल गए थे एक, मतलब कुछ नए सफ़र की तरफ मान लो, या कुछ भी मान लो, कुछ मतलब जो मैंने बताया कि कुछ खुशी मिलने वाली उसके लिए हमें कहीं जाना था, तो वहाँ चले गए थे। फिर वहाँ हमारा जो काम था वो हमने कर दिया, जो भी था वो आगे आप लोगों को पता ही चलेगा वीडियो में। इधर कपड़े मेरे फोल्ड हो चुके थे, इधर मेरी चाय भी। हम आ चुके हैं कालका मंदिर, आप सब ठीक हो? हम अब दर्शन करेंगे फिर उसके बाद। और हम कुछ खाया नहीं है सुबह से, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और ये है हमारा प्रसाद जो हमें मंदिर में चढ़ाना है, और आप लोग कुछ खिला सकते हो तो खिला दो। नहीं भाई, वो तो खुद ही खाना पड़ेगा। ये वीडियो एक दिन पहले का है जहाँ हम मंदिर गए हुए थे, तो वहाँ पे हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि वो लोग कैमरा वगैरह और फ़ोन वगैरह मतलब वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, इसलिए हमने थोड़ी सी क्लिप बना ली थी। और ये देखो यहाँ पे ये चोरी से अंदर घुस रहे थे क्योंकि इन्हें लाइन में ना लगना पड़े इसलिए।